Hi guys, welcome back to my channel. This is Lakshan Mommy और आज मैं ऐसे दिख रही हूँ क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ. 3 बजे सोई थी और 6 बजे उठ गई थी, तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मैं ऐसे दिख रही हूँ. एक्चुअली कल मुझे पीरियड्स आया था, तो फिर मैं अभी भगवान का भी कुछ नहीं कर सकती, तो मनीष ही कर रहा है. सो फिर मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं बस अभी कुछ करने को नहीं था, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ. देखती हूँ अभी 9:30 हो रहे, लक्ष्य अभी तक उठा नहीं है. क्या होता है पूरा दिन कैसे जाता है सब बताती हूँ. सो गाइस, ये रहा लक्ष्य, वो भी नहा धो के तैयार हो चुका है और वो खा रहा है नाश्ता, डोसा और दाल. और मैं खा रहा हूँ, सॉरी मैं खा रही हूँ डोसा और गोंगूरा पचड़ी, यम्मी है. तो अभी नहीं, ऐसे नहीं निकाल. और ये मैं हमारे नाजों के सब भूल चुका है और मेरे बहुत पेन भी हो रहा है, मैं ठीक हूँ. और ये रही हमारी माता जी, मनीष आरती पूजा सब करके चला गया था. अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती, तो फिर मैं तो अभी अलग से बैठी हूँ. और आप देख सकते हो मेरे जो भी मस्त हो गए, लंबे लंबे हो गए. क्या चल रहा है? और आज लक्ष्यू का सरप्राइज है कुछ, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी. लक्ष्यू आज स्कूल नहीं जा रहा और बहुत कुछ बाद में बताती हूँ. लक्ष्यू जा रहा है गाँव, बाय शणा लक्ष्यू, बाय किशी. चलो आज चलो चलो उतरो. लक्ष्य जा रहे हैं गाँव, ये गाड़ी आ गई लक्ष्य की. हाँ चलो, ये लक्ष्य जा रहे हैं. लक्ष्यला घाई सकल पासून चालू होती जायचे. लक्ष्यू बाय कर, बाय बाय, या सावकाश. व्हिडिओ करता का काय आमचं? सुनील लागते ना व्हिडिओ. केळा खातो गाइस, जैसे कि आपने देखा मैं एक तबियत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं लेटी हुई थी और लक्ष्य चला गया है. हाँ यही था, मैं सुबह आपको बोल रही थी लक्ष्य आज गया है गाँव मेरे मम्मी पापा के साथ. वो दशहरा से पहले आ भी जाएगा, उनको कुछ काम है तो उसके लिए गया है. और हमारे गांव में भी देवी बेबी के सबके पैर पड़ के आ गए हैं और मैं तो जा नहीं सकती, आपको बताइए. तो फिर इसीलिए लक्ष्य गया है. एंड अभी जाता है, नहीं जाता है, कभी कभी उसकी आदत छुड़ी है, कभी कभी जाने के लिए करता है उन लोगों के साथ, कभी कभी नहीं भी करता, उसका भरोसा नहीं है. लेट्स सी. और अभी निकल चुके हैं, मुझे फ़ोन आया था, पता नहीं क्या है, मनीष फ़ोन करके बताएगा मुझे. जैसे कि आपको पता है कि लक्ष्य गया है गाँव, तो फिर अभी मैं बोर हो रही हूँ घर में. सो आपको पता है कि अब चला गया तो घर तो खाली खाली हो गया ही. और मनीष तैयार होकर काम पे चला गया, उसने आरती कर ली थी, मैं छू नहीं सकती, आपको पता है. सो अभी देखो मेरे फ्रिज पे ना लक्ष्य की यादें, इसने जाने से पहले कलाकारी करके गया था. वो पढ़ता है ना स्पेलिंग्स एंड ऑल, तो वो उसका मैग्नेटिक स्टिकर्स है. सो अभी मैं भी तैयार होती हूँ, बोर हो रही हूँ घर पर बैठ के, भी क्या करूँगी. सुबह से मेरा हालत सही नहीं था, तो मैं लेटी हुई थी, फिर अब थोड़ा ठीक है तो जाऊँगी, थोड़ा गरबा वरबा खेलूँगी. मंदिर में तो मैं जाती ही नहीं, और जहाँ पंडाल है वहाँ पर भी नहीं जाती हूँ. हनुमान मंदिर के यहाँ पर जैसे बाहर राउंड होता है तो टेंशन नहीं है, अंदर जाने के सवाल ही नहीं उठता है. तो उधर खेल लेंगे, खेलेंगे क्या नहीं वो भी पता नहीं. अभी फ़िलहाल तैयार तो हो जाती हूँ और वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल दिए, लेकिन शाम को लगाएंगे. दैट्स इट, अभी देखते हैं क्या होता है. सो फाइनली गाइज, 1 2 3 हो गई हूँ मैं रेडी, ग्रीन कलर और चंकी ज्वेलरी, सिल्वर वाली है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, क्योंकि नवरात्रि और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है. अब मैं तैयार हो गई, मनीष को कुछ कॉल नहीं आया, जब आएगा तभी देखते हैं, या फिर मैं कॉल करती हूँ उनको, पूछती हूँ उसको.
फाइनली गाइस मनीष आ गया और हम लोग निकल चुके हैं और लक्ष्मी आज तो खाली खाली सा लग रहा है, हम दोनों ही हैं अभी निकलते हैं और बहुत दिनों बाद हम ऐसे दोनों ही सिंगल ही घूम रहे हैं, नहीं तो हमेशा लक्ष्य हमारे साथ ही होता है। सो अभी चलते हैं डांडिया के इधर, देखते कितनी गर्दी हुई क्या हुआ है और लक्ष्य को वीडियो कॉल करते हैं। अरे लक्ष्मी ना बहुत उदास हो गया हम लोग को देख के वीडियो कॉल में, उसका ऐसा लग रहा है ये लोग अकेले गए डांडिया खेले, तो उसे गुस्सा भी आ रहा था वीडियो कॉल में कि ये लोग डांडिया डांडिया करके हमको डांट रहा था कि तुम लोग क्यों गए करके, लेकिन हम लोग उसे दिखा रहे थे। सो हम लोग हमेशा खेलते हैं, लेकिन कैसा है ना अभी लक्ष्मू बहुत पहले लक्ष्मू एक जगह पे रुकता था या फिर मम्मी पापा के पास उसको छोड़ते थे हमें जब भी डांडिया खेलना था, बट अभी कैसा ना हम उसको छोड़ते नहीं क्योंकि उसे भी एंजॉय करना होता है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली उसे लाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, इधर से उधर भागता है और ये रोड है और हम किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते और बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चों के लिए तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो हम लोग है ना मोस्ट प्रोबेबली उसे छोड़ते नहीं, इसीलिए हम लोग साथ में कभी खेल नहीं पाते। तो लक्ष्मी आज गांव गया था तो हमने मौके पे चौका मार लिया और हम दोनों साथ में खेल रहे, देखो कितने सालों बाद, नहीं तो मैं हम शादी से पहले भी साथ में खेलते थे और अभी बहुत दिन बाद खेले तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आपको हमारा डांडिया बताना, यहाँ पर कैसे ना इस लाइन्स में ना बहुत सारे छोटे बच्चे ही रहते हैं जिनको मतलब खेलने का मतलब ये ही नहीं रहता है, ज़्यादा बच्चे लोग को आता नहीं है, तो हम लोग बहुत मतलब कम खेलते हैं, लेकिन मनीष को भी डांडिया बहुत पसंद है तो हम जब भी खेलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है हमारी। हो गया है डांडिया खेल के, अभी सब बच्चे डांस कर रहे हैं और मैं भी साइड में खड़े रहकर डांस ही कर रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग ले लेती हूँ। सब बच्चे थके होने के बावजूद ये 5 मिनट ऐसा एनर्जी से डांस करते हैं ना जो कि एक अलग ही मज़ा आता है, और हम दोनों को देखो पसीने में भरे, क्या खेला मैंने मतलब इतना खेला ना कि पूछो ही मत, लक्ष्मी नहीं तो नो डिस्टर्बेंस, मस्त मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। गाइस हो गई हूँ मैं लालम लाल और आपको डांस करने के बाद मैं पूरी लाल दिख रही हूँ, अभी हमारा हो गया डांस वगैरह, 10 बज गए, अभी राउंड मार रहे हैं, अभी लक्ष्मी नहीं है तो क्या करेंगे घर पे रहके भी, तो थोड़ा राउंड मारते फिर जाते हैं। लक्ष्मी के बना अधूरा अधूरा सा भी लग रहा है बट ठीक है ना, चलते मजे तो किए, अभी कभी कभी हम लोग को मिलता है अकेले मौका, नहीं तो हमको कभी नहीं मिलता है, लक्ष्मी रहता ही हमारे साथ, और अभी मतलब जब से इसका स्कूल आफ्टरनून हुआ है तब से तो वो कंटिन्यू मेरे साथ रहता है तो हमको आदत ही हो गई है पूरी, बट अभी ठीक है 2-3 दिन हमको भी मिलना चाहिए ना। और ये देखो कौन मिला मुझे, मधु भाभी। तो गाइस राउंड मार के अभी हम लोग एक जगह रुके हैं थोड़ा टाइम पास करें क्योंकि मैं भी बैठ बैठ के थक गई और खेल के भी थक गई, अभी घर जा रहे हम लोग और अभी सब डांडिया वंडिया खेल के छूटे हैं तो रास्ते में भी रौनक लग रही है, फिर बाद में थोड़ी देर 11-12 के बाद तो फिर कुछ दिखेगा नहीं, तो अभी जाते हैं घर पे फिर खाना पीना खाते हैं और फिर देखते हैं, मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, देखते हैं मनीष आइसक्रीम दिलाता है या नहीं, लेट्स ट्राई, दिलाएगा अच्छा लड़का है, नहीं दिलाए तो मस्का मार लेंगे। सो गाइज हम लोग खा रहे खाना और हमारा खाना है थेपला एंड अचार, आ जाओ खाने आप भी। गाइज मैंने आपको बोला था कि पता नहीं मनीष आइसक्रीम दिलाए कि एक मिनट मनीष, पता नहीं मनीष आइसक्रीम दिलाएगा क्या नहीं, लेकिन लड़का अच्छा निकला, उसने मुझे आइसक्रीम दिलाया और लड़के ने मेरी इच्छा पूरी की और लड़के ने सादा वाला कुल्फी लिया और मेरे को कोरनाटो दिलाया, तो लड़का अच्छा निकला है गाइज, अभी रिटर्न नहीं करेंगे हम इसको, रखेंगे क्या रिटर्न करेंगे, 13 ईयर्स हो गए अब क्या रिटर्न करूँगी मैं, यम्मी यम्मी कोरनाटो। तो गाइज दैट्स इट फॉर द व्लॉग, होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय, पीस आउट।